दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे 1971 में भारत को मुश्किल में देख रूस पूरी दुनिया से लड़ गया था। साल 1971 जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद नहीं हुआ था, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी का जुर्म जारी था। पाकिस्तान और भारत में युद्ध की स्थिति तैयार हो चुकी थी, लेकिन पहल कोई नहीं करना चाहता था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरपोर्ट ने भारतीय एयरबेस पर सरप्राइज अटैक कर दिया। पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय बॉर्डर पर 480 किलोमीटर अंदर तक आकर आगरा तक हमला किया। इसे एक नाम दिया गया, ऑपरेशन चंगेज खान। यह हमला युद्ध से पहले ही भारत के विमानों को तबाह करने के लिए था, लेकिन यह पाकिस्तान की भूल थी। उसी शाम भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इस युद्ध की घोषणा कहा और उसी रात भारत ने भी तीनों मोर्चों पर युद्ध छेड़ दिया। भारतीय नेवी के सामने तो पाकिस्तान हमेशा से ही बोना था, लेकिन अब उसे भारत की ताकत का भी एहसास हुआ। भारत अब ढाका तक आर्मी पहुंचा देना चाहता था। भारत से इस युद्ध में पाकिस्तान जीत नहीं सकता था, इसलिए वो अमेरिका से शुरू से ही मदद मांगता रहा। अमेरिका ने भी पाकिस्तान का पूरा साथ दिया। सबसे पहले तो उसने चीन को मनाया कि मुश्किल स्थिति में चीन को भी युद्ध में उतरना पड़ेगा। उसके बाद अमेरिका ने जॉर्डन और ईरान को भी मिलिट्री सप्लाई भारत को देने के लिए मना लिया। उस समय पाकिस्तानी जहाज भारतीय क्षेत्र में नहीं उड़ सकते थे, तो श्रीलंका ने अपने ऊपर से उड़ने और तेल भरवाने की इजाजत दी। सऊदी अरब, जॉर्डन और लीबिया भी अपने फाइटर प्लेन मदद के लिए भेजने वाले थे। इस तरह अमेरिका ने सभी देशों को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने यूएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट बी ऑफ बैंकॉक में भेज दिया गया था, साथ यूनाइटेड किंगडम के इंगल को भी भेजने पर राजी कर दिया। इस तरह सब देश मिलकर भारत को युद्ध में तबाह करने की तैयारी में थे और भारत भी अकेला पड़ गया था। तब मैदान में आया भारत का मित्र देश रूस, जो तब सोवियत यूनियन कहलाता था। रूस ने यूएसए और यूके को बे ऑफ बैंकॉक में रुकने के लिए क्रूजर और डिस्ट्रोस भेज दिए, जिसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर घेर लिए। रूस ने साथ ही न्यूक्लियर मरीन भी भेज दिए ताकि सबकी हवा टाइट हो जाए। चीन तो सोवियत यूनियन का नाम सुनते ही सुन पड़ गया था, इसलिए पूरे युद्ध में उनकी सेना तो क्या कोई भाषा भी नहीं निकला। अरब देश भी पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, अब दोनों देशों से शांति की अपील करने लगे। रूस का कहना था कि अगर कोई और देश युद्ध में आता है तो हम उन्हें पहले से ही यहीं मिलेंगे। इसके बाद तो पाकिस्तान की हवा 13 दिन में ही निकल गई और 16 दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को कैद कर लिया और इस तरह बांग्लादेश बना। इस तरह रूस भारत के साथ तब खड़ा हुआ जब भारत को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज भी जब कोई देश भारत की तरफ उंगली करता है तो उसे रूस भारत के साथ खड़ा नजर आता है। दोस्तों, रूस जिसे आज भी भारत का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, इतिहास गवाह रहा है कि उसने हर जरूरत में भारत का ही साथ दिया है। आज भले ही भारत के नए दोस्त बन रहे हों, लेकिन भारत को रूस का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर आपके विचार क्या हैं हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।